किया है। आज मैं दिल्ली में उसी के अगेंस्ट में आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सभी जितने भी बड़े लीडर्स और जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो वुमेन्स को रिस्पेक्ट करते हैं सेंटर के द्वारा, उनके पास आके उनको कि मेरी जो मेरे मेल एप्लीकेशन ऑर्डर में थी कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूँगी, और ऐसे लोक प्रतिनिधि लोकतंत्र में संविधान ने मुझे जो अधिकार दिया है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को छोड़कर मैं बाकी सब्जेक्ट पे बात कर सकती हूँ। मैंने उस सब्जेक्ट को हाथ ना लगाते हुए जो मेरे साथ लॉकअप में हुआ, जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से जेल में मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे हेल्थ इशू डॉक्टर लिख के देने के बाद भी मुझे जेल से चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, इस विषय को लेकर बात करना ये अधिकार मुझे संविधान ने दिया है, पर कोर्ट के आदेश का पालन मैंने कल भी किया, आज भी करती हूँ और आगे भी करूँगी। उनको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो वो गुलामी जो ठाकरे जी की कर रहे हैं और उनके प्रेशर में और उनके बोलने के अनुसार वो हर किसी पे कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को जेल भेज रहे हैं, किसी पे नॉन बेलेबल ऑफेंस दाखिल कर रहे हैं, वो एक महीने के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पाप धुल जाएंगे, उसके बाद भी के एरिया में जो पुलिस स्टेशन आता है वहाँ जाके जो खुलेआम मुझे गुंडे जैसी एक राज्यसभा मेंबर ने धमकी दी 20 फुट नीचे गाड़ कर, और आपकी पूरी सामग्री क्रियाक्रम की हमने ऑलरेडी मशान में पहुंचा दी है, इस तरीके का भाषा जो जिसने किया है संजय राउत, जिनको हमारे महाराष्ट्र में पोपट बुलाते हैं, तो कब जाएंगे ऐसे पोपट के अगेंस्ट में मैं FIR करने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मैं खुद जाकर FIR विधानसभा और लोकसभा जो अपने पार्टी के लोगों को चुन के लाए हैं मोदी जी के भरोसे, तो ठाकरे जी के भरोसे चुन के नहीं आए, उनका पसीना करना पड़ता है जब लोग लोकसभा और विधानसभा चुन के आते हैं, बैक स्टैंपिंग की है तो ये उद्धव ठाकरे जी ने की। मैम आप प्रिविलेज कमेटी में पेश होंगी 23 तारीख को, अगर कोई मुझे जेल में डाल जाता है तो आखिरी सांस तक मैं भगवान का नाम लेना छोड़ूंगी नहीं, भगवान का नाम स्मरण करती थी करूंगी और आगे भी करती हूँ। 100% मैं संजय राउत जी जो पोपट है उद्धव ठाकरे जी के उसके अगेंस्ट में FIR करूंगी। मुंबई में सभी डिपार्टमेंट के लोग अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, पर केंद्र की एजेंसी पे भी गुहार लगाऊंगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इंक्वायरी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा तौर से मुझे आह्वान दिया, मुझे धमकी दी उनके विरोध में मैं और शिवसेना ने हमारे घर पे हल्ला किया और हमारे अमरावती के घर पे हल्ला किया, मुंबई के घर पे हल्ला किया, गुंडेशाही तो उन्होंने की, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले, तो भी हम देशद्रोह, जो गुंडे हमें मारने आए उन पे कोई कार्रवाई नहीं, जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलते हैं 20 फुट नीचे गाड़ देंगे, महिला को नीचे गाड़ देंगे, मैं तो आ गई हूँ दिल्ली, मैं तो मुंबई भी थी, गाड़ के तो देखते हैं।